आप सभी को नमस्कार, मैं हिमांशु सिंह एक बार फिर से आप सभी का यूपीएस न्यूज 24 में स्वागत है। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन की ओर। आपको बता दें, थाना डकौर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताते चले, 25,000 का इनामी और मिलावटी शराब बेचने वाला पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिसके पास 8 पेटी शराब और 320 क्वार्टर जिसकी कीमत 25,000 के लगभग में बरामद हुई है, जिसका खुलासा आज पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सतीश कुमार ने किया। बताते चले, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा थाना डकौर जालौन में आबकारी अधिनियम द्वारा 5 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज पंजीकृत कराया था, जिसमें 4 लोगों की पूर्व में गिरफ्तारी कर जेल भी हो चुकी है, जिसमें एक अभियुक्त फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी प्रभारी निदेशक बीएल यादव थाना डकौर क्षेत्र के बेतवा नदी के किनारे उरई रोड से की है, जिसके पास 8 पेटी मिलावटी शराब बरामद हुई है। गिरफ्तार किया गया युवक दूसरे जनपद का है, जो कि जनपद जालौन में मिलावटी शराब बेचने आया था, लेकिन वह अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका। डकौर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। युवक का नाम ओमकार पुत्र जयचंद, निवासी ग्राम चिल्ली थाना राठ जनपद हमीरपुर है। छात्र मिलावटी खोर के ऊपर पहले से ही कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसका काफी लंबा आपराधिक इतिहास है। यही नहीं, पुलिस अधीक्षक जी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए युवक के ऊपर पहले से ही अवैध शराब बेचने के मुकदमे दर्ज हैं, जो कि दूसरे जनपद के शराब में मिलावटी कर उनके बोतलों पर रैपर बदलकर अन्य जनपदों में बेचता था। वहीं पुलिस अधीक्षक ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 5,000 रुपये का इनाम भी देने की बात कही है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक बीएल यादव व उप निरीक्षक शैलेंद्र सिंह, उप निरीक्षक मदन पाल, कांस्टेबल जितेंद्र सिंह, कांस्टेबल त्रिलोकीनाथ त्रिवेदी, कांस्टेबल नेपाल सिंह आदि पुलिस हमराही टीम शामिल रही। जालौन से राहुल कुमार की रिपोर्ट, हर खबर सबसे पहले। निवासी ग्राम चिल्ली थाना राठ जनपद हमीरपुर का है। ये पहले भी हमारे यहाँ से दफा 60 के मुकदमे में, शराब के मुकदमे में वांछित था, जिसमें कि रैपर बदल के ठेकों से शराब बेची जाती थी, और इसके पास कल भी इसके द्वारा कुछ पेटी शराब इसके यहाँ से बरामद हुई है और इसको जेल भेजा गया है। इसके 4 साथी पहले जेल जा चुके हैं। इसके 25,000 रुपये का इनाम था और ये हमारा इनामी पकड़ा गया, जिसके लिए मैं अपनी टीम को 5,000 रुपये का इनाम देने की कोशिश। किस तरह से शराब बनाते थे, किस तरह से ये लोग? अभी मध्य प्रदेश की शराब लाते थे और दूसरे राज्यों से शराब ला के यहाँ बेचते थे, और पिछली बार जो इनकी घटना हुई थी उसमें कई सारी बातें सामने आई थी। अभी इसके पास कुछ शराब मिली जिसके साथ ही पकड़ा। सर, इनके नकली रेपर जो आते हैं, नकली शराब कहाँ से आती है, किस जगह से बनती है? इसकी भी जानकारी की जा रही है। कुछ लोगों ने बताया है कि ये आसपास के जनपदों से बनते हैं, और हम इसकी भी दबिश डालेंगे, ये भी पता लगाएंगे कि कहाँ बनते हैं और